Hey everyone, happy Raksha Bandhan. Welcome to my YouTube channel. If you are new here, my name is Anju. और जो लोग already मेरी video देखते हैं, so thank you so much. As you all know, Raksha Bandhan is coming on 22 of August. So मुझे लगा ये video आपके साथ share करना तो बनता है. Because इसमें मैंने काफ़ी affordable product का use किया है जो easily market में भी available हैं. I hope this video helpful for you. So enjoy the video. Let's get started. सो गाइज, जब भी कोई फेस्टिवल के लिए मैं रेडी होती हूँ तो मैं अपनी स्किन को प्रेप कर लेती हूँ. सो मेकअप करने से पहले स्किन केयर कर लेते हैं. फर्स्ट मैं कर रही हूँ अपनी स्किन क्लीन. सो अपने फेस को क्लीन करने के लिए मैं रॉ मिल्क का यूज़ कर रही हूँ. रॉ मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर स्किन. यू कैन ऑल्सो यूज़ रॉ मिल्क इन डेली रूटीन बिकॉज रॉ मिल्क हमारे फेस पर एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह वर्क करता है और डीपली स्किन को क्लीन करता है. रॉ मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है जो कि स्किन को ग्लोइंग बनाने में हमारी हेल्प करता है. सो रॉ मिल्क से अपने फेस पर मैं अच्छे से मसाज करूँगी 2 से 3 मिनट तक. देन आई विल क्लीन माई फेस. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ शीट मास्क जो कि नायका का है. शीट मास्क आपको ईजिली मार्केट में भी मिल जाएंगे. मैंने ये शीट मास्क नायका से परचेस किए हैं बिकॉज रिसेंटली नायका हैविंग अ डिस्काउंट जहाँ मैंने 5 शीट मास्क ऑर्डर किए थे और 5 शीट मास्क मुझे फ्री मिले थे. शीट मास्क हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए होता है. तो राखी के दिन मेरा फेस दिन भर ग्लो करे इसलिए मैं इस शीट मास्क का यूज़ कर रही हूँ. इसको मैंने अपने फेस पे 15 मिनट तक रखा है और फिर मैं इसे हटाऊँगी और जो भी मेरे फेस पे सीरम लगा है उसे तब तक मैं मसाज करूँगी जब तक मेरा फेस ड्राई ना हो जाए. और जब मेरा फेस ड्राई हो जाए तो मैं बढ़ूँ. यूज़ किया है तो इससे ऑलरेडी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट हो चुकी है. तो मैं यहाँ पे बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र का यूज़ करूँगी. बट मॉइस्चराइज़र इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप मॉइस्चराइज़र को कभी स्किप ना कीजिए. चाहे आपने कुछ भी लगाया है, मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे मैं अच्छे से मसाज करूँगी और फिर बढ़ूँगी मैं नेक्स्ट स्टेप पर. और यहाँ मेरी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो चुकी है. सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप. नाउ आई एम यूजिंग प्राइमर और यहाँ मैंने लैक्मी एब्सोल्यूट का प्राइमर यूज़ किया है बिकॉज दिस प्राइमर क्रिएट्स अ परफेक्ट बेस फॉर मेकअप. और प्राइमर हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है. लैक्मी एब्सोल्यूट प्राइमर बहुत ही लाइट वेट एंड वाटर प्रूफ है और इससे हमें काफ़ी स्मूथ टेक्सचर मिलता है. जो हमारी स्किन पर पोर्स होते हैं प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को बंद कर देता है और मेकअप करने से हमारी स्किन ख़राब नहीं होती. सो प्राइमर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकअप. इसको मैं टी जोन पर लगाऊंगी और बाकी बचा हुआ अपने पूरे फेस पर भी लगाऊंगी. प्राइमर इट्स डन. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. तो मैं अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए शुगर के लिप बाम यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी वैसलीन यूज़ कर सकते हो. 10-20 रुपए में इजीली मार्केट में आपको वैसलीन मिल जाएगी. सो इम्पॉर्टेंट है अपने लिप्स को हाइड्रेट करना. और अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन. और फाउंडेशन को मैं थोड़ा सा फिंगर पर लेकर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी. काफ़ी कम फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे बिल्कुल नेचुरल सा लुक क्रिएट करना है और इससे मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ये फाउंडेशन फुल कवरेज फाउंडेशन है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है. I love this foundation because its work is very very good. और इस foundation की ये खास बात है कि ये foundation all skin type है और ये अच्छे से हमारे face पर blend हो जाता है. But आप neck को भी cover करना बिल्कुल मत भूलना. And next step आता है concealer. मैं यहाँ पर स्विस ब्यूटी कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा कंसीलर है और बहुत ही कम प्राइस का है. इससे मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड कर लूँगी. इवन मैं अपने हाइलाइटेड एरिया पर भी कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ. इसको मैं अच्छे से अपने हाइलाइटेड एरिया पे अप्लाई करूँगी और फिर एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी. आपको सिर्फ उसी जगह ब्लेंड करना है जिस जगह आपने कंसीलर लगाया है, उसी जगह आपको ब्लेंड करना है. आपको पूरे फेस.
रहे हो या फिर आपके घर में कोई फेस्टिवल है तो ईज़िली आप ये मेकअप कर सकते हो, और बहुत ही ईजी है ये मेकअप करना, तो आप ट्राई ज़रूर करना इसको। और अब मैं दोनों को अच्छे से मर्ज कर लूँगी ताकि जो भी हार्श लाइन होगी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए, तो ब्लेंडिंग ब्रश से मैं अच्छे से मर्ज कर लूँगी। और अब मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर भी ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूँगी ब्राउन कलर को। तो गाइज़ ये है मेरा फाइनल लुक, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और इसमें मैं ब्लैक कलर की बिंदी लगा रही हूँ और बहुत ही नेचुरल मेकअप लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा ओवर किया है, परफेक्ट मेकअप है रक्षाबंधन के लिए। सो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइज़ हैप्पी रक्षाबंधन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। I'm gonna go get some more.